5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पूसा कृषि मेला 2022 का करेंगे उद्घाटन। मेले की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। पीएम मोदी ने नेदरलैंड के पीएम से यूक्रेन की स्थिति को लेकर फोन पे की बातचीत। नेदरलैंड के पीएम ने यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट को लेकर जताई चिंता। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को जल्द किया जाए समाप्त। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के सुम्मी में फंसे सभी भारतीयों को निकाला गया सुरक्षित। रूस पर अमेरिका और ब्रिटेन ने कसा आर्थिक शिकंजा। रूस से तेल गैस ऊर्जा आयात पर लगाया पूर्णतः प्रतिबंध। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के साथ अन्य सहायता मुहैया कराने का लिया संकल्प। यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस्की ने ब्रिटेन संसद को किया संबोधित। कहा, अंतिम सांस तक लड़ेंगे लड़ाई। ब्रिटेन संसद ने भी यूक्रेन को हर संभव मदद करने का लिया संकल्प। चुनावी नतीजों से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन पर उठाया सवाल। कहा, क्या वोट में हो रही है चोरी। देश में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4,575 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 145 मरीजों की मौत हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का 14वां दिन है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि युद्धग्रस्त इलाके से एक पाकिस्तानी छात्र को भारत की ओर से सुरक्षित निकाला गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी छात्र भारत सरकार एवं पीएम मोदी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।